जिनकी वो बारूदी डॉक्यूमेंट बहुत ही खतरनाक है, जिसमें चीन के उन कमान सेंटर का नक्शा है जहां अमेरिका मिसाइल अटैक कर सकता है। अगर चीन ने अमेरिका पर हमला कर दिया, फिर अमेरिका और चीन के बीच ऐसी भीषण जंग होगी जिससे पूरी दुनिया कांप उठेगी। दोनों देशों के फाइटर जेट एक दूसरे से टकराएंगे। विकराल काल मुंह खोल देगा। मिसाइलों के वार पलटवार से धरती डोल उठेगी। ऐसे में बड़ा सवाल है, अमेरिका सबसे पहले चीन में कहां कहां हमला करेगा? दावा है कि अमेरिका ने यह प्लान भी तैयार कर लिया है। यूएस मरीन कॉर्प्स के कमांडर डेविड बर्जर का कहना है कि ऐसी सूरत में अमेरिका चीन के ज्वाइंट बैटल कमांड सेंटर पर सबसे पहले दावा बोलेगा। ऐसे में अमेरिका की मिसाइल पीएलए के पूर्वी थिएटर कमांड के सेंटर पर गिर सकती है जो नानजिंग में है। दूसरा निशाना सेंट्रल थिएटर का कमांड सेंटर बन सकता है। अगर ये टारगेट बना तो मिसाइल चीन की राजधानी बीजिंग में गिरेगी। तीसरा निशाना शेन यांग का उत्तरी थिएटर कमांड बन सकता है। चौथा टारगेट चीन का दक्षिणी थिएटर कमांड सेंटर बन सकता है जो चीन के गुआंगजो में है। पांचवा टारगेट चेगेंद्रो में बना पश्चिमी थिएटर का कमांड सेंटर बन सकता है। ताइवान के आसपास से जो खबरें मिल रही हैं, वो अमेरिका के लिए फिक्र करने वाली है। चीन ने ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि पहले बाइडेन चीन को आगाह कर चुके हैं। रही कसर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे ने पूरा कर दिया है। बाइडेन एक बार नहीं, कई बार चीन को आगाह कर चुके हैं कि वो ताइवान पर कब्जा करने की सोचे तक नहीं, नहीं तो अमेरिका ताइवान की हिफाजत करने के लिए अपनी सेना वहां जरूर भेजे। पहले बहुत गौर से देखिए कि 23 मई को बाइडेन से क्या पूछा गया और उन्होंने क्या जवाब दिया। Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes. You are. That's a commitment we made. अब देखिए कि जापान में क्वाड की बैठक थी, तब जो बाइडेन ने ताइवान को लेकर कैसे यही बात किस अंदाज में दोहराई कि वो ताइवान सेना जरूर भेजेगी। ये अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन की तरफ से ऐसा विस्फोटक बयान था जिसने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचा दिया। और अब नैन्सी के ताइपे पहुंचने के बाद चीन इतना आग बबूला हो गया कि उसने फौरन इमरजेंसी युद्धाभ्यास का फैसला कर लिया और ताइवान से करीब पहुंचकर अपनी सेना को शी जिनपिंग ने जंगी ड्रिल करने का ऑर्डर दे दिया। अब तक विश्व में अकेला अमेरिका सुपर पावर था, लेकिन अब चीन दूसरा सुपर पावर बनने की कोशिश में लगा है। अमेरिका को शिकस्त देने के लिए चीन ताइवान को लेकर आक्रामक बना हुआ है क्योंकि ताइवान पर कब्जा चीन के पहले टास्क लिस्ट में है और युद्ध के हालात में ताइवान की रक्षा अमेरिका की प्राथमिकता है। अमेरिका का मैसेज बहुत साफ है, वो ये कि अगर ताइवान पर हमला हुआ तो अमेरिका उसे बचाएगा और इस लड़ाई में अमेरिका की नौसेना के साथ साथ मिसाइलें सबसे बड़ा रोल निभाएंगी। नौसेना से पहले अमेरिका की उन मिसाइलों को जान लीजिए जिसे वो जब चाहे चीन के कमांड सेंटरों पर गिरा सकता है। अमेरिका की ऐसी पहली मिसाइल का नाम है मिनटमैन 3। मिनटमैन 3 की मारक क्षमता 13,000 किलोमीटर तक है। दूसरी मिसाइल है ट्राइडेंट D5 जो 12,000 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने में सक्षम है। लेकिन ऐसी सूरत में भी चीन कहां पीछे रहेगा? उसने भी ऐसी मिसाइलों को अपने जखीरे में जमा कर रखा है जो खासकर अमेरिका पर अटैक करने के लिए बनाई गई हैं। चीन से
से अमेरिका की दूरी करीब 11,600 किलोमीटर की है। ऐसे में अगर उसकी अमेरिका से ठनी तो युद्ध का हथियार चीन के इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें बनेंगी। अगर अमेरिका पर मिसाइल अटैक करना हो तो जिनपिंग की सेना DF-31 मिसाइल से हमला कर सकती है, जिसकी रेंज 7,000 से 11,000 किलोमीटर है। दूसरा विकल्प 4,500 से 5,500 किलोमीटर रेंज वाली DF-4 मिसाइल होगी। चीन DF-41 मिसाइल से भी वार कर सकता है, जिसकी रेंज 12,000 से 15,000 किलोमीटर है, या फिर DF-5 मिसाइल से हमला कर सकता है, जो 13,000 किलोमीटर की दूरी तक आग बरसाने की ताकत रखती है। चीन इसका ट्रेलर अपनी मिलिट्री ड्रिल में लगातार दिखा रहा है। पहाड़ों पर भारी बारिश के बाद मुसीबत बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड के टिहरी में एक महिला की बरसाती नदी में बहने से मौत हो गई। काफी मशक्कत के बाद महिला के शव को बरामद किया गया। इस दौरान रेस्क्यू टीम को कमर तक पानी में डूबकर कड़ी मेहनत करनी पड़ी। महिला का शव मिलने के बाद उफनती दरिया के बीच से गुजरना पड़ा। टिहरी के घनसाली में महिला जंगल में घास लेने गई थी, तभी अचानक बरसाती नदी में उफान आ गया, जिसकी चपेट में आने से वो बह गई और उसकी मौत हो गई। जिसके बाद सूचना मिलने पर पुलिस और SDRF की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और घटनास्थल से 1.5 किलोमीटर दूर महिला का शव बरामद कर लिया। अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो ताइवान के बदले अमेरिका मिसाइल वॉर छेड़ सकता है, जिसके निशाने पर चीन का वो ठिकाना होगा जो PLA का पावर सेंटर है। चीन में अमेरिका ने कहां कहां अपना टारगेट सेट कर रखा है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ताइवान पर हमला और अमेरिका के अटैक को काउंटर करने के लिए चीन ने समंदर में भी बड़ी तैयारी कर ली है। चीन की नौसेना के 2-2 विमान वाहक पोत अपने होम पोर्ट से बाहर निकलकर ताइवान के काफी करीब पहुंचकर युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। इसमें पहला विमान वाहक पोत है लाइनिंग, जो पूर्वी चीन के शानडांग में मौजूद अपने होम पोर्ट से निकलकर समंदर में ताइवान के बहुत ही नजदीक पहुंच चुका है। वहीं इसके अलावा चीन का 2 टाइप 055 डिस्ट्रॉयर ताइवान के पूरब में मोर्चा संभाले हुए है। इस तरफ फिलहाल ताइवान के पश्चिम से लेकर पूरब तक खतरनाक युद्ध का जल अखाड़ा सज चुका है, जो चीन और अमेरिका के बीच भी जंग करा सकता है। चीन बड़ी बड़ी धमकी दे रहा है, लेकिन एक बड़ा सच ये भी है कि उसकी नौसेना के पास अनुभव नहीं है। अमेरिका से भी बड़ी नौसेना होने के बावजूद उसके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो चीन से दूर जाकर कोई बड़ी जंग करके दिखाए। यही वजह है कि जिनपिंग की सेना ताइवान के करीब जाकर दुनिया को डरा रही है। लेकिन ताइवान युद्ध में चीन को काबू करने के लिए अमेरिका की तैयारी बहुत बड़ी है, जिसे अंजाम तक पहुँचाने के लिए अमेरिका अपने युद्ध पोत USS रोनल्ड रेगन का इस्तेमाल जरूर करेगा। USS रोनल्ड रेगन ताइवान से 890 किलोमीटर दूर फिलीपींस सागर में मोर्चा संभाले हुए है। ये है अमेरिका के एयरक्राफ्ट करियर USS रोनल्ड रेगन। ये अमेरिका के सातवें बेड़े का वो जहाज है जो हमेशा जापान में तैनात रहता है, लेकिन अभी फिलीपींस सागर में मोर्चा संभाल लिया है। 7th फ्लीट के नाम से मशहूर यह अमेरिकी नौसेना के अंदर सबसे बड़ी नेवल पावर मानी जाती है। इसकी बराबरी दुनिया की बड़ी बड़ी नौसेना नहीं कर सकती,